अगर किसानी के लिए मरना पड़े तो फिर कोई बात नहीं, हम जरूर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, किसानी के लिए जन्म लेंगे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में। और सिरसा में आपको बता दूँ कि पहले से ही जो प्रस्तावित था किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन जो है वो आज लगातार किसानों के द्वारा जो है वो सिरसा शहर की सड़कों पे जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप देखिएगा कि मुआवजे की मांग को लेकर के अपनी तमाम मांगों को अपनी छाती पर जो है वो लिख करके जो है वो सरकार से मांगे मानने की जो है वो गुहार लगाते हुए किसान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार 15 से 20 दिनों से लगातार किसान जो है वो लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर के पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग किसान है चाहे युवा किसान है, वो अपना कुर्ता निकाल करके अपनी छाती पर अपनी मांगों को रख करके लिख करके जो है वो लगातार यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि सरकार की अर्थी को कंधा देते हुए किसान जो है वो लगातार यहाँ से ये शव यात्रा जो है वो लगातार निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगातार तस्वीरें देखिएगा कि एक के बाद एक किसान लगातार जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए जो है वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। और पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए किसान जो है वो लाल बत्ती चौक पहुँचने वाले हैं। और लाल बत्ती चौक पहुँच के जो शव यात्रा किसान जो है वो लगातार निकाल रहे हैं सरकार की, मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की, तो वो लगातार यात्रा जो है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा लगातार कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से एक साइड में होकर के किसान जो है वो लगातार यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब पूरे शहर भर से प्रदर्शन करते हुए किसान जो है वो अंत में जो शव यात्रा निकाली जा रही है, ये पुतला जो कंधों पे लाद करके ले जाया जा रहा है, पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए लाल बत्ती चौक पे जा करके जो है वो किसान ये पुतला फूकने का कार्यक्रम रखेंगे, पुतला फूकेंगे। और उसके बाद जो है वो आगामी क्या कुछ किसानों की रणनीति रहती है वो लगातार किसानों से जानेंगे। पंद्रवा दिन है जी। हाँ जी, ये जो 258 करोड़ कोई प्रशासन आ नहीं रहा, कोई सुध नहीं लै रहा, अज तक कोई भी नहीं आया, वो वास्ते अच्छ रोस प्रदर्शन कटे जी। पिछले 15 दिनों से खरीफ 2020 का बकाया मुआवजा को लेकर और बीमा क्लेम और अन्य मांगों को लेकर हमारा धरना लगा हुआ है। उसमें हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। हमने 3-4 बार बरसात भी हुई है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथी ट्रालियों में भीगे भी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने कोई हमारी सुध नहीं ली है, हरियाणा सरकार ने सुध नहीं ली है। इसलिए आज हमारी धरना कमेटी के निर्णय जो लिया था, आज हमारा हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का पुतला फूका गया, जो कि पक्का मोर्चा डीसी ऑफिस लघु सचिवालय से चलकर बाजारों से होता हुआ सुभाष चौक पर पहुंचा है। और अभी यहां आकर हमारे साथियों ने अर्धनग्न होकर हमारे जो स्लोगन है अपने शरीर के ऊपर खुदवाकर बकाया मुआवजा जारी करो और किसान जिंदाबाद और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। और सरकार ने और प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली,
जिला प्रशासन ने हमारे को मूलभूत सुविधाएं जो 16 तारीख को हम बैठे थे लिखित में दे करके आए थे कि हमें पानी, लैट्रिन, बाथरूम और दूसरी सुविधाएं हमें दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी हमें पूछा तक नहीं गया। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार का भी कोई प्रतिनिधि या कोई साथी नहीं आया। इसके जोश में आज जो है हमने अर्ध नंगन होकर के इस सरकार को जलाया है हमने। और कुछ साथी ये पूछ रहे थे, मेरी एज 65 साल की है, मेरी एज 65 साल की, कुछ साथी कह रहे थे ठंड की वजह से आप मर जाओगे, लेकिन मैंने कहा चुकूंगी मेरी सरकार के कान खोलने के लिए अगर किसानों की मांग को लेकर के अगर मरा भी जाए तो मैं कहता हूँ कोई मेरे से इससे बड़ी कोई खुशी और नहीं हो सकती। और हमारा तब से धरना जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी एक एक मांग नहीं मान ली जाती।